बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है और इसे कहां रखा जाता है, ये सबको लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। और दोस्तों, इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन का नाम सुन रखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको आज ये सुनने का मौका मिलेगा कि हाँ, ये बिटकॉइन क्या है और कैसे ये जन्म लिया और कैसे यहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों, जैसा कि आप जान सकते हैं कि इंटरनेट आज हमारी लाइफ का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गया है। उनके बिना अब लाइफ की कल्पना करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। इंटरनेट की बदौलत आज हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। सभी तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं हम इंटरनेट से। इंटरनेट से खरीदारी करना, टिकट बुकिंग करना और इंटरनेट से हर चीज़ करवाना काफ़ी मुमकिन हो गया है। और ये भी मुमकिन हो गया है कि हम इंटरनेट से पैसे भी कमा सकते हैं, और वो भी घर बैठे बैठे। और उसी पैसे कमाने के तरीके में एक तरीका है बिटकॉइन। क्या हम बिटकॉइन के जरिए पैसे कमा सकते हैं? क्या बिटकॉइन में हम निवेश करके अच्छे रकम इकट्ठे कर सकते हैं? और बिटकॉइन है क्या? ये सारी चीज़ें की जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। आप जानेंगे कि बिटकॉइन कैसे जन्म लिया, हिस्ट्री क्या है बिटकॉइन की, और बिटकॉइन कैसे इतना आगे बढ़ा, और कैसे आज बिटकॉइन एक बहुत बड़ा ट्रेड का रूप ले चुकी है। हर कोई चाहता है बिटकॉइन की ट्रेडिंग करे। ये सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक करेंसी है, लेकिन दोस्तों ये करेंसी बाकी करेंसियों से डिफरेंट है। जैसा कि आप रुपी, डॉलर, यूरो, ढेरों ऐसी करेंसियाँ हैं जो मार्केट में चलती है, हम अपने हाथों में रखते हैं, उसे पॉकेट में रखते हैं और बैंक पे रखते हैं। लेकिन बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, इसलिए वो काफ़ी डिफरेंट है। और पहली ऐसी वर्चुअल करेंसी है जो इतनी ज़्यादा मार्केट में तहलका मचा रखी हुई है। और ये करेंसी जो होता है, इनको ना हम छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, बस इसको ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं और उनकी खरीद बिक्री करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए, जैसे हम अपने पैसे को स्टोर करते हैं तो हमें एक वॉलेट की ज़रूरत होती है, वैसे ही बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए भी एक वॉलेट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिटकॉइन का शुरुआत कैसे हुआ। 3 जनवरी 2009 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो। उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और लॉन्च करने के पीछे एक कारण था। वो बहुत दिनों से एक चीज़ पे नज़र रखे हुए थे कि जब हम ट्रांजेक्शन करते थे अपने बैंक से पैसे की लेन देन, तो बैंक वाले चार्ज बहुत ज़्यादा लेते थे। एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने के लिए बैंक चार्ज ज़्यादा असूलती थी, और आज भी असूला जाता है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजते हैं, अगर अदर स्टेट में पैसे भेजते हैं या अदर कंट्री में पैसे भेजते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पे करने होते हैं। और इन्हीं चार्जेस को कम करने के लिए और ना के बराबर करने के लिए ही बिटकॉइन का जन्म हुआ। और सतोशी नाकामोटो ने 3 जनवरी 2009 में इसे लॉन्च किया, और ये एक कंप्यूटरकृत जो करेंसी थी, और इसे सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था। इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता था। जैसे कि अभी बैंक जो हमारी है वो एक अथॉरिटी होती है रुपया या पैसे पे, हमारा जो किसी भी देश का बैंक होता है उसका हक होता है, वो मालिक होता है। लेकिन जैसे आप देखते हैं कि इंटरनेट जिसका कोई मालिक नहीं है हर कोई यूज कर सकता है, वैसा ही बिटकॉइन भी है जिसका कोई मालिक नहीं है। अगर आपने खरीदा तो उसका मालिक आप है, और आपने बेच दिया तो उसका मालिक कोई और हो गया। यानी कि हर कोई मालिक है और इसका मालिक कोई भी नहीं है। अब हम जानते हैं बिटकॉइन की एक नई चीज़ के बारे में, क्यों करते हैं हम बिटकॉइन का इस्तेमाल। बिटकॉइन का इस्तेमाल या किसी भी करेंसी का इस्तेमाल पेमेंट के लेन देन के लिए किया जाता है। सपोज डेट कि अगर ऑनलाइन हमें कोई चीज़ खरीदना है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, अपने डेबिट कार्ड या ATM कार्ड से पैसे कटवाते हैं, रुपये से, या जो दूसरे देशों में रहते हैं वो डॉलर से या किसी और करेंसी से पे करते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो बिटकॉइन से भी पे करके वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं, अगर वो शॉप आपका बिटकॉइन एक्सेप्ट करता है तो। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए हम बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब बिटकॉइन का इस्तेमाल अलग तरीके से होने लगा है। क्या ये शॉप के लिए ही आई थी, एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट भेजने के लिए आई थी? लेकिन अब इसका इस्तेमाल अलग होने लगा, अलग इस वजह से होने लगा है कि बिटकॉइन की एक लिमिटेशन है, मतलब बिटकॉइन एक लिमिट मात्रा में ही उपलब्ध है। जैसे कि आप देखते होइएगा कि आपके जो भी आपका देश है, जो भी आपकी कंट्री है, सपोज हम अगर इंडिया में रहते हैं तो हमारी जो भी इंडिया की जो करेंसी है वो साल भर में एक लिमिट होता है छपने की। अगर आपका कोई भी पैसा छापा जा रहा है या उसकी छपाई हो रही है तो एक लिमिट होती है, उसी लिमिट में उसको छापा जाता है, उस लिमिट से ज़्यादा पैसे को नहीं छाप सकते। वैसे ही बिटकॉइन की भी एक लिमिट है। बिटकॉइन आने वाले समय में समाप्त हो सकता है, और उसके बाद जिसके पास जितना बिटकॉइन होगा वो उतने बिटकॉइन से मन मौजी दाम में इधर उधर बेच के अच्छे पैसे कमा सकता है। सपोज डेट आप ये मान लीजिए कि अगर आने वाले समय में हीरा ख़त्म हो जाए, और जिसके पास में हीरा अवेलेबल होगा वो मन मौजी रेट में किसी को भी हीरा बेचेगा जिनको हीरे की ज़रूरत होगी। वैसा ही सेम टू सेम बिटकॉइन है। आज बिटकॉइन का जो उपयोग है वो ट्रेडिंग के लिए हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग शेयर खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही अब जो बिटकॉइन
बिटकॉइन में ही लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बिटकॉइन में इसलिए वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का रेट इतना तेजी से उछल रहा है, तो इस वजह से जो है कि हम बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम अगली बात करते हैं कि बिटकॉइन का जो है रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है। बिटकॉइन का रिकॉर्ड जो होता है, जैसे कि अगर हम बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उन सभी का जो रिकॉर्ड है वो हमारे बैंक के खाते में होता है, हम अपना जो स्टेटमेंट होता है उसे निकालते हैं और हमें डिटेल्स पता चल जाती है। वैसे ही इनका भी एक रिकॉर्ड होता है और उसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। जो ब्लॉकचेन होता है, इन सभी को जो प्रमाण जो इसको वेरीफाई करते हैं, सपोज डेट अगर हमने किसी को पैसा दिया बिटकॉइन में, किसी को पैसे सेंड किए और उसको जो वेरीफाई करेगा कि हाँ ये पैसा सही जगह से आया है, सही है, तो उनको माइनर्स कहा जाता है और उन माइनर्स को बिटकॉइन फ्री में मिलते हैं। जब इसकी शुरुआत हुई दोस्तों तो इसकी वैल्यू थी मात्र 3 से 4 रुपये 2009 में, और आज देखिए कि इतनी आगे चली गई है। इसी वजह से तो लोग बिटकॉइन के में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम बिटकॉइन वॉलेट के बारे में जानेंगे कि अगर मैंने अगर बिटकॉइन को मुझे ख़रीदना है या बेचना है तो हम बिटकॉइन को डालेंगे कहाँ पे, किस जगह रखेंगे। जैसे कि हम अपने पैसे को बैंक में रखते हैं तो बिटकॉइन का भी तो कोई बैंक होगा ना। जी हाँ दोस्तों, आज इस सीरीज़ में आप सभी सीखेंगे कि बिटकॉइन का बैंक क्या होता है, कैसे उस पर खाते बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं, बाई सेल करते हैं और कमाते हैं फ्री में। ये सारी चीज़ें इस सीरीज़ में आप सीखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको फिलहाल ये बताएंगे बिटकॉइन वॉलेट क्या होता है। जिस जहाँ पर हम बिटकॉइन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर करते हैं उसको बिटकॉइन वॉलेट कहा जाता है, और इस वॉलेट का ही हम इस्तेमाल करते हैं अपने बिटकॉइन को खरीदने में, अपने बिटकॉइन को बेचने में, या कहीं से कोई बिटकॉइन मुझे सेंड करता है तो वहाँ पर स्टोर करने में। जो हमारा वॉलेट होता है, इसी वॉलेट का हम इस्तेमाल करते हैं बिटकॉइन को बेच के पैसे को रुपए में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट तक लेने में। तो ये बिटकॉइन वॉलेट होता है, हम ये भी क्रिएट करना आपको सिखाएंगे इस सीरीज में। बिटकॉइन कैसे कमाया जा सकता है, वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3-4 तरीके पर ही डिस्कस करूंगा। पहला तरीका है कि आप सीधे अपने पैसे से डायरेक्ट बिटकॉइन को खरीद लीजिए। इंडिया में बहुत ऐसे एक्सचेंज है, उस पर खाता बनाइए और अपना जो पैसा है कि वहाँ पर डालिए, उन पैसे से रुपए से बिटकॉइन खरीद लीजिए, और जब मर्जी अपने बिटकॉइन को अगर रेट हाई हो जाता है तो उसको बेच दीजिए और फिर उसको रुपए में कन्वर्ट करके बैंक ले लीजिए। तो या तो आप डायरेक्टली उसको खरीद लीजिए अपना पेमेंट देके, कि दुनिया के किसी भी कोने में है, डॉलर में खरीदना है तो डॉलर से भी खरीद सकते हैं, यूरो में खरीदना है यूरो से खरीद सकते हैं, रुपी में खरीदना है तो रुपी में डाल के आप वहां से खरीद सकते हैं। बस आपको एक्सचेंज पे जाना होगा, बिटकॉइन एक्सचेंज। दूसरा तरीका है कि आप कोई सामान किसी को बेचते हैं, अगर उनके पास में ऑलरेडी पहले से बिटकॉइन है तो आप वो पेमेंट जो है आप बिटकॉइन के रूप में ले लीजिए, तो आपके पास में बिटकॉइन स्टोर हो जाएगा, यानी कि बिटकॉइन आपके पास में आ जाएगा। और तीसरा तरीका है कि आप माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग वे लोग कर सकते हैं जिनके पास में हाई पावरफुल कंप्यूटर है, यानी कि जिनको बोलिए कि सुपर कंप्यूटर है, जिनका प्रोसेसर बहुत ही फास्ट है, वही लोग माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग के बारे में भी अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि माइनिंग से बिटकॉइन फ्री में अर्न किया जाता है। अगर माइनिंग करते हैं तो बिटकॉइन आपको गिफ्ट में देंगे। जैसे कि माइनिंग उसे कहा जाता है जो बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। जैसे कि आपने किसी को बिटकॉइन भेजा तो वो माइनर ही क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ किसी ने आपको बिटकॉइन दिया है, तो किसने दिया है, किस वॉलेट को दिया है और उस वॉलेट तक बिटकॉइन गया या नहीं गया, ये सारी चीज़ें माइनस देखते हैं। तो अगर आप माइनस बनते हैं तो और उसके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, आपका एक सॉफ्टवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर के जरिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को चालू करना पड़ेगा और अपनी CPU और आपका जो भी आपका GPU है उन सभी को आपको कनेक्ट कर देना होगा, उसके हवाले कर देना होगा उस सॉफ्टवेयर के हवाले, ताकि वो आपके जो GPU और CPU का इस्तेमाल कर सके और वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सके, वो सब खुद ब खुद आपका सॉफ्टवेयर करेगा। तो वो माइनस होते हैं और उन माइनस को आप अगर इतना करते हैं, आपकी कंप्यूटर में अगर ऊर्जा आपकी खपत होती है तो उसके बदले आपको गिफ्ट में कुछ बिटकॉइन मिलते हैं, और वही बिटकॉइन माइनिंग के जरिए ही निकलते हैं, और वही बिटकॉइन जो माइनिंग के जरिए माइनस को मिलते हैं वही माइनस क्या करते हैं, उन बिटकॉइन को बेचते हैं, और बेचने के बाद हम लोगों के पास में वो बिटकॉइन आता है। तो माइनिंग के जरिए ही बिटकॉइन निकलता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ, जो माइनस है उनसे हम लोग खरीदते हैं, बड़े बड़े एक्सचेंज होते हैं वो माइनस के जरिए ही बिटकॉइन को रखे रहते हैं, वहाँ से हम लोग उसको खरीदते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिटकॉइन की संख्या लिमिट है, 21 मिलियन बिटकॉइन ही बन सकते हैं, और जिसमें से 13 मिलियन से लेकर 15 मिलियन के आसपास का बिटकॉइन अभी तक निकल चुका है, मात्र 8-10 मिलियन बचे हुए हैं। आप समझिए कि इतने कम बिटकॉइन बचे हुए इसलिए बिटकॉइन की रेट इतनी हाई होती जा रही है। समझिए कि कभी 1 मिलियन बिटकॉइन बचेगा, समझिए कि बिटकॉइन की रेट कितनी हाई हो जाएगी, लगभग वो करोड़ों में होगी। तो दोस्तों, आज वक्त है कि बिटकॉइन को बारे में जान लीजिए और बिटकॉइन से रिलेटेड हर एक चीज़ कर लीजिए, ताकि आगे चल के ये पछतावा ना हो कि हाँ हम भी उस दौर से आए थे जिस समय बिटकॉइन का रेट काफ़ी कम था और मैंने नहीं स्टोर किया था और बाकी लोगों ने स्टोर किया, तो वो आज अरबपति और करोड़पति बन गए और हम लोग जो हैं वैसे ही के वैसे ही रह गए। तो थोड़ा दोस्तों इसी नॉलेज के लिए तो मैंने ये सीरीज लॉन्च किया ना, आप लोगों को बताने के लिए। अब हम जानते हैं बिटकॉइन के इस्तेमाल के फ़ायदे, क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं अगर हम बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि आप कहीं पे भी बहुत लो फी देकर पेमेंट को भेज सकते हैं।
मतलब अगर आप विदेश में भी पैसा भेजना चाहें, कहीं भी पैसा भेजना चाहें, अगर आप अपनी पहचान भी नहीं बताना चाहते, गोपनीय तरीके से भी पैसा भेज सकते हो। वहाँ पे आपका नाम नहीं शो होगा बल्कि आपका वॉलेट एड्रेस शो होगा। तो आप गोपनीय तरीके से भी आप पैसे भेज सकते हो वहाँ पे। आप एकदम लो अमाउंट फ़ी देकर, आप जो है कि 5 से 10 रुपये तक की फ़ी देकर आप अपने बिटकॉइन को दूसरी जगह भेज सकते हैं। लेकिन अगर वही पैसे को अगर आप बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको हाई अमाउंट पे करने होंगे। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं, किसी भी जगह भेज सकते हैं। सिर्फ बिटकॉइन वॉलेट होना चाहिए, उस पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। नो IFSC कोड, नो अकाउंट नंबर, कुछ भी आपको नहीं देना है, ना ही कोई स्विफ्ट कोड देना होता है इसमें। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है। कभी भी किसी कारण से आपका जो बैंक होता है वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। अगर बैंक में आपने एक लिमिट में पैसा नहीं रखा या आपने जितना से खाता खुलवाया था उतना नहीं रखा, कम कर दिया, जीरो बैलेंस कर दिया, हो सकता है कि बैंक वाले ने आपका अकाउंट बंद कर दे। लेकिन अगर बिटकॉइन में आप एक भी रुपये नहीं रखते हैं, अगर आपका 0.00000 भी नहीं होता है, तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक कभी नहीं होगा, आपका हमेशा बिटकॉइन का वॉलेट ऑन रहेगा। और आप अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग लंबे समय के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। बिटकॉइन में लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिटकॉइन बहुत बेटर है। अगर इस छोटे समय के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस आपको बिटकॉइन वॉलेट में बस हमेशा ताकते झाँकते रहना होगा कि अब बिटकॉइन का रेट घटा तो खरीद ले, अब बढ़ा तो बेच ले, ऐसा जस्ट लाइक शेयर मार्केट की तरह। बिटकॉइन का एक और फायदा मैं आपको बता देता हूँ, बिटकॉइन के जो ट्रांजेक्शन है वो किसी सरकार के अंडर प्रोसेस नहीं आता है कि हाँ सरकार आपसे उसमें टैक्स वसूलेगा। अगर आपने मान लिया कि 50,000 लगाया और आगे चल के वो 10 लाख हो गया, तो आप ये सोचेंगे कि ज़्यादा हो गए पैसे तो सरकार तो टैक्स ले लेगी। लेकिन इसलिए निफिक रहिए कि इसमें कोई टैक्स पे आपको नहीं करने होंगे, क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है और सरकार का कोई अथॉरिटी नहीं है इस पे, दुनिया के किसी भी देश का, या ना ही यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का और ना ही हमारे देश इंडिया का। तो ये सब जो है कि इंटरनेट की करेंसी है, सतोशी नाकामोती ने ऐसा कुछ काम कर दिया है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बिटकॉइन का सबसे छोटा रूप होता है जिसको हम सतोशी बोलते हैं, और 10 करोड़ सतोशी होने के बाद एक बिटकॉइन पूरा होता है। जरूरी नहीं है कि आप एक बिटकॉइन खरीदें, क्योंकि एक बिटकॉइन की कीमत काफ़ी हाई है, तो जो है कि आप सतोशी में खरीद सकते हैं बहुत, जैसे कि 200 रुपये से। मैं आपको बताऊँगा अभी कि मिनिमम 200 रुपये से भी आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं और उससे भी आप लाभ उठा सकते हैं, और मैं आपको सारे प्रोसेसेज बताऊंगा इस चीज़ का। हमारे साथ बने रहिएगा ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है कि बता सकूं। तो दोस्तों आगे की बात हम करेंगे थोड़ी सी कि बिटकॉइन के कुछ नुकसान क्या है। बिटकॉइन के कुछ नुकसान भी तो हो सकते हैं ना, फ़ायदे है तो बिटकॉइन के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए हम नुकसान के बारे में बताते हैं आपको, लेकिन नुकसान बहुत ना के बराबर है तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ है कि बिटकॉइन पे ना ही किसी का कंट्रोल है और ना ही कोई सरकार की अथॉरिटी है, तो रिस्क तो बना रहता है ना। रिस्क इसलिए बना रहता है कि कभी भी इसकी कीमत बहुत बढ़ सकती है और कभी भी इसकी कीमत एकदम नीचे आ सकती है। अगर कहीं पे कोई रोक लगाने वाला हो तब वो कीमत को रोक लगा सकता है, लेकिन इसकी कोई कीमत को रोक नहीं लगा सकता है। ये अचानक बढ़ सकती है, बहुत हाई हो सकती है, और अचानक एकदम बहुत लो भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं हाई होने के। तो ज़्यादा तो रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बिटकॉइन का जो अकाउंट है वो हैक भी हो सकता है। अगर आप अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखते हैं, सब चीज़ एकदम पावरफुल रखते हैं और अपना कोड वगैरह है वो सब चीज़ बढ़िया बनाते हैं वॉलेट बनाते समय, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपके जो वॉलेट है या आपका जो पासवर्ड है हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इतना सिक्योर है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी कमज़ोर पासवर्ड रखेंगे और मतलब जनरली तरीके से बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे करके आप पासवर्ड बना देंगे, तो अगर कोई आपका अकाउंट हैक कर लिया तो आपका एक भी सतोशी नहीं बचेगा। इसका एक कुछ और भी आप घाटा हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि इतना सारा नफा नुकसान होने के बावजूद भी बिटकॉइन आज इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतर और पॉपुलर तरीका बन गया है। हर दुनिया के जितने भी स्मार्ट लोग हैं वो सब लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन रखे। हमारे पास में भी बिटकॉइन है, हम लोगों ने भी बिटकॉइन खरीदा है और हम लोग भी ट्रेडिंग करते हैं बिटकॉइन का। तो आने वाली सीरीज में मैं आपको सभी चीज़ बताऊँगा। आज मैं यही उम्मीद करूँगा आपसे कि आपको आज समझ में आ गया होगा कि बिटकॉइन क्या है और कैसे ये उत्पन्न हुआ, कहाँ पे हम इसको रख सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और बिटकॉइन के बारे में अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ मालूम है, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का कमेंट बॉक्स में, कि आप अपने शेयर जो है, आपका अपना अनुभव है बिटकॉइन के बारे में, वो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमारे जितने भी फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके आपका भी अनुभव देख सके और वो बिटकॉइन के बारे में जाने। और आने वाली सीरीज में जब मैं बिटकॉइन के बारे में बताऊँगा कि बिटकॉइन का वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, बिटकॉइन को कैसे खरीदते हैं, बिटकॉइन को कैसे बेचते हैं, बिटकॉइन को कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और बिटकॉइन को कैसे फ्री में कमाते हैं,
तो ये सारी चीज़ें जो है उनको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जो लोग हमारे अच्छे कस्टमर है, जो हमारे अच्छे व्यूअर्स हैं, हमारे जो भी अच्छे सब्सक्राइबर है, प्लीज़ मैं उनसे ये वेलकम करूँगा उनका कि वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए और वहाँ पे अपना भी जो बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ भी उनकी बातें हैं, अगर कुछ उनको लगता है कि बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ वो बोल सकते हैं और वो कुछ बिटकॉइन से रिलेटेड चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। और नए जो सब्सक्राइबर है जो बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते हैं सही से, तो उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल से उनको कुछ पता चल गया होगा कि बिटकॉइन क्या है। और साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका बिटकॉइन से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो वो सब डालिए। और आने वाली वीडियो में जो हमारी वीडियो आएगी, आज से सीरीज स्टार्ट है और ये आप पार्ट वन देख रहे हैं, अगर आप बाद में देख रहे हैं इस वीडियो को कुछ समय लंबे अरसे के बाद, तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बिटकॉइन की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आए आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों जो है कि वेट कीजिए, अगली वीडियो हमारी आएगी कि हम बिटकॉइन का अकाउंट कैसे खोलते हैं, जैसे कि आप बैंक अकाउंट खोलते हैं वैसे ही बिटकॉइन को रखने के लिए हम अकाउंट कैसे खोलते हैं। दोस्तों आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।